की शादी हो गई, शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया, बड़ा बखील था लड़का, बड़ा बखील था। बीवी को बोला कि तुम्हें पता भी हम क्या क्या खाते हैं? बीवी बोली कि हम तो नई नई यहाँ पर आए, हमको क्या पता आप क्या खाइएगा। बोला घर में सिर्फ वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। तो उसका शोहर बोला कि पहले सुन लो कि हम खाएंगे क्या। बोला बोलिए। तो इसका शोहर बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली तो कौन सी खावत। बोला हमें खाली दाल खेजिए। बोला दाल आप खाइएगा, हम थोड़े दाल, हम थोड़े खाएंगे, दाल आप खाइएगा तो आप खाते रहिएगा, हम दूसरी चीज बनाएंगे। उसका शोहर बोला कि नहीं, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल खाना पड़ेगा तुमको। ये नई नई आई थी बेचारी, खामोश हो गई। 3 महीना हो गया, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 7 भाई सुखा के कांटा हो गई, खाली दाल खा खा के। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो पूछा कि दैया अरे खाना नहीं खाते थे, सूख के कांटा हो गई है। तो बहन रोने लगी, आंसू बंद नहीं हुआ। बोला भैया कौन बकील साथ हमारा ब्याह करा दिला, जो तू खाली दाल खिलावे जमरा। बोला काहे गोश्त नहीं खिलाते। बोला नहीं भैया गोश्त का नाम लेते हैं तो मारता है। बोला मेरी बहन आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ये टेबलेट लो, नींद की टेबलेट है, ससुराल पहुंचो, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आए उसका ऑपरेशन करेंगे। ये आई घर, आई रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये नौजवान खाया बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरे कफन पहनाया इसको, बकील को कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहना के इसका चारपाई उठा के दूसरा रूम में ले गया। चारों भाई, 4 काला लिबास पहना, 4 नकाब बांधा चेहरे पे, एक एक कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। नींद की गोली की जब असर इसकी खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तो सब के जाओ। बोला हम लोग फरिश्ता हैं, बस जल्दी तुम तैयार हो जाओ, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल कौन जवाब। बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए हो। कहने हम खाली दाल खेलो जे भैया। बोला कहे मछली कहे ना खाया। बोला नहीं खाया। बोला 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा जब खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया कि गोश्त खाए थे। बोला नहीं नहीं गोश्त तो नहीं खेलो जी। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सोला दिया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही थी। अभी नींद खुले, 100 कोड़ा यहां है। बड़ी मुश्किल से आंख खोला, उसकी बीवी आई, उठाया करे। वो उठा ना, 10 बजे नाश्ता नहीं करो। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, रात में हम भुगत चुके हैं, झोला तो हम नगोछिया जाते हैं, आज गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे, दूध दही भी लाएंगे। बकील छोड़ो मेरे नौजवानों, बकील।